अभी मैं जा रहा हूँ टू व्हीलर रेंट के लिए, एक्टिवा वगैरह मैं रेंट पे लेने वाला हूँ। इधर मेरी होटल के सामने ही है, तो अभी मैं उनको पूछता हूँ एक्टिवा का चार्ज वगैरह क्या है। भैया एक्टिवा का क्या चार्ज है? कितने दिन के लिए? 3 दिनों के लिए। 3 दिन का एक गाड़ी का 900 रुपये। एक गाड़ी का 900 रुपये? 993 दिन का। 3 दिन का मतलब एक्टिवा का येलो नंबर प्लेट आएगा। हाँ, एक दिन का मतलब 300 लिया खाली तो 400 रुपया, दो अच्छा, दिन 700, तीन 900। हाँ तो ओके, एक्टिवा दिखा दूँ ना। कितने चाहिए? दो। हाँ दो चाहिए। तो एक आते हो देखे दो ना। मैं इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये 300 रुपये बोल रहे हैं। ठीक है, अभी ऑफ सीजन चल रहा है तो इतना ही रेट होता है। ये एक्टिवा वगैरह रेंट पे देते हैं ये लोग। और गाइज अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप गोवा में एक्टिवा रेंट पे लो तो नंबर प्लेट चेक कर लेना। ये येलो नंबर प्लेट जो आप बाय करोगे रेंट पे, वो येलो नंबर प्लेट क्या पुलिस वाले की मगजमारी बहुत कम होती है। अगर आप ऐसी वाइट नंबर प्लेट लोगे तो वो इलीगल माना जाता है, और अगर पुलिस वाला आपको पकड़ेगा तो 500 रुपये, 1000 रुपये, वो जो मांगे वो हमको देने पड़ते हैं। इसलिए गोवा में कभी भी टू व्हीलर रेंट पे लो या फिर फोर व्हीलर लो, येलो नंबर प्लेट खास चेक करके लेना। और अगर आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर रेंट पे लेते हो तो पहले जो गाड़ी होती है उसका एक वीडियो बना दो, क्योंकि क्या बाद में अगर वो लोग बोले कि ये स्क्रैच नहीं था आपने डाला, तो आपको पे करना होता है। इसलिए अभी हमने सारी पॉलिसीज कंप्लीट कर ली है। भैया डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए? आईडी, आईडी। हाँ लाइसेंस तो चलेगा ना? लाइसेंस तो चाहिए, हाँ वो तो है, लेकिन आईडी के लिए तो अभी तो आधार कार्ड ही देना होगा। इधर रखने के लिए आधार कार्ड ही देते। अच्छा, अब फिर बाद में वो मेरे को वापस कब मिलेगा? रिटर्न करने, गाड़ी रिटर्न करने। अच्छा, कोई डिपॉजिट वगैरह कुछ होता है? डिपॉजिट नहीं रखते, इसलिए आईडी रखते हैं। अच्छा अच्छा, अभी जो रेंट होता है वो ही देना होगा? रेंट के। ओके, तो हाँ हमने 3 दिनों के लिए 2 बाइक्स लिए एक्टिवा, तो अभी हम लोग सिर्फ रेंट देंगे, कोई डिपॉजिट वगैरह आपको कुछ भी नहीं देना है। ये नाम है, हेलमेट अंदर ही है।